अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद मेडिकल लैब साइंसेज के साथ मैं हूं डॉक्टर अरहाम खान। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स कंप्लीट चैप्टर। सबसे पहले इसका डेफिनेशन है, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम एक्शन, लॉक एंड की मॉडल, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, एक्टिवेशन एनर्जी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट आफ्टर इटसेल्फ। उसके बाद हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है, कैटलिस्ट है, स्पेसिफिक फॉर रिएक्शंस है, यूज इन स्मॉल अमाउंट है, स्पेसिफिक एक्टिव है, उसके सेंसिटिविटी है, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं, एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स रिमेन अनअटैच्ड। उसके बाद हमारे पास लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम्स इनहिबिटर्स, नीटा इनहिबिटर्स, कोफैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स। ये हमारे पास पॉइंट में दिए हुए करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम एक्शन है, ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये इसके जो है हमारे पास रिएक्शंस हैं। उसके दो तरह के मॉडल्स होते हैं, ठीक है, लॉक एंड की मॉडल। ये हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है, इसका कंप्लीट डिटेल है, और इसकी ये जो है हमारे पास लिखे हुए मेन पॉइंट्स। ये हमारे पास डायग्राम भी इसका दिया हुआ है, और ये मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म इसके एग्जांपल्स हैं, और रिएक्शंस भी है हमारे पास, एनाबॉलिज्म है, और ये हमारे पास रिएक्शंस वगैरह दी हुई, ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी का ये हमारे पास डायग्राम है, प्रोस्थेटिक है, एक्टिवेटेड साइट, सबस्ट्रेट, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, उसके बाद एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी है, एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इसका डायग्राम लिखा हुआ है। उसके बाद स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, एग्जांपल लिखा हुआ है, कैटालिस्ट, प्रोटेज, अमाइलेज, लाइपेज। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन भी दिए हुए हैं, और ये हमारे पास देखें हमारे पास एंजाइम्स का जो है ये डायग्राम दिया हुआ है।